MG3 भी एक लाइट मशीन गन है। इसकी एक खूबी है कि इसकी फायर पावर निरंतर है। हीलिंग कंज्यूमेबल्स को फेंक सकते हैं। हीलिंग कंज्यूमेबल्स को ट्रैजेक्टरी स्लॉट में जोड़ा गया है। उन्हें फेंकने के लिए आप एक हीलिंग कंज्यूमेबल्स को चुन सकते हैं और थ्रो बटन पर टैप करें। प्लेयर रैंकिंग सीजन अपडेट हो गया है और इस सीजन में अलग होगा। इसमें एक टीयर ऐड किया गया है जो एस और कॉन्करर के बीच में होगा, और अब टीयर के आइकॉन्स लेवल अप के इफेक्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे। रैंकिंग सीजन में एक चैलेंज पॉइंट सिस्टम भी ऐड हो जाएगा। अगर आप चैलेंज पॉइंट एक लेवल तक पार कर जाते हैं तो आप डिडक्टेड रैंकिंग पॉइंट को कम कर सकते हैं। सीजन सीरीज वाले रिवॉर्ड्स उनको दिए जाएंगे जिन्होंने उसी सीजन में एक ऊपर वाला टीयर हासिल किया है। इस मिशन इग्निशन मोड में जब आप पैराशूट से लैंड कर रहे होंगे तो शेरों के नाम 3D में देखे जा सकते हैं, और आप मैप पे मार्क किए गए पॉइंट पर ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर सकते हैं। हाइपर लाइन्स एक ऐसी हाईटेक हवा में उड़ती हुई लाइन है जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। ये ट्रक स्वायत्त ड्राइविंग वाहन है जो निर्धारित मार्ग पर चलते हैं और सप्लाई से भरे होते हैं। अगर आपको अच्छी लूट चाहिए तो इन ट्रक्स पर आक्रमण करें। अगर आप इन्हें नष्ट करने में सफल हुए तो आपको सप्लाई बॉक्सेस का रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक भविष्य की चीज लगती है। द G38 ग्रेविटी फ्री मोटरसाइकिल जमीन के ऊपर मंडराता है और इस पर दो लोग बैठ सकते हैं। प्लेयर्स एयर कन्वेयर पर बैठेंगे तब वो हवा में होंगे। इस एयर कन्वेयर पर दो लोग बैठ सकते हैं। ASM अबाकान सबसे नई असॉल्ट राइफल है जो मिशन इग्निशन मोड में डाली गई है। ये आप पपी आइकॉन को फॉलो करेंगे तो आपको एक स्पेशल पेट्रोल डॉग मिलेगा। इस पेट्रोल डॉग के साथ आप दुर्लभ और उच्च आइटम्स को लोकेट कर सकते हैं। टैक्टिकल मार्किंग डिवाइस के साथ आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका साथी किस दिशा में फायर कर रहा है, दुश्मन की जगह कहाँ है, और सड़क की जानकारी भी मिनी मैप पे मिल जाएगी, और ये आपको आसपास के ग्रेनेड की सूचना दिलवाएगी। इस हाईटेक शहर में आप रायट शील्ड से अपने आप को बुलेट से सुरक्षित कर सकते हैं। इसकी बनावट काफी बड़ी और मजबूत है। आपातकालीन में इसे इस्तेमाल करना ना भूलें। एक बंदूक की सेंसिटिविटी आप अलग से सेट कर सकते हैं और अपने गन की सेटिंग्स को कॉपी करके ऑनलाइन ही स्टोर कर सकते हैं। कुछ नई डिवाइसेस के लिए भी डाल दिए हैं। आप अब गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी का परिवर्तन कर सकते हैं। एक और सेटिंग डाली है जिसे गायरोस्कोप का ऊपर और नीचे वाला इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। कुछ चीजों को आप डिस्कार्ड करने के बाद भी पिकअप हो रही है, फिकर ना करिए। इस अपडेट में यह मुद्दा भी स्पष्ट हो गया है। एक और चीज, एडवांस पिकअप ऑप्शन, इसे आप अपने हथियार का फेवरेट अटैचमेंट सेट कर सकते हैं। यह सेट करने के बाद आपकी फेवरेट अटैचमेंट बाकी सब को रिप्लेस कर देगी। सुनवाली फ्लेयर गन्स ऑटोमेटिकली नहीं उठाई जाएंगी। रिमेनिंग मैग देखने के लिए अब अलग अलग रंग है। यदि यह 25% या उससे कम है तो ये पीला हो जाता है, और ये लाल हो जाता है यदि ये 10% से नीचे चला जाता है। जंगल और मीरामार में कुछ इमारतों में कांच की खिड़कियां जोड़ी गई है। रॉयल पास के लिए अपडेट साइकिल को 2 महीने से 1 महीने तक। इसके अलावा अब आप अपनी जीत के बाद एक ब्रॉन्ज स्टैचू जोड़ सकते हैं। NPC मिनी TV रे जोड़ दिया गया है। रे आपको लॉबी में संदेश अलर्ट और घोषणाओं के बारे में सूचित करता है।